नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर नारायणपुरवा जूही के सुशील कुमार, जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि कनवार सहकारी आवास समिति लिमिटेड कानपुर नगर में सचिव पद पर बैठा दबंग उदयवीर सिंह ने आवास समिति सोसाइटी के पैसे की धांधली करके और पैसों का दुरुपयोग करके फर्जी डिग्रियों का क्रय विक्रय करते हुए अपनी पुत्री आरती सिंह को उस्मानिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल स्थित 98119 नाजिर बाग बेकनगंज कानपुर में बतौर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त करा दी है। इस मामले को लेकर जूही के रहने वाले सुशील कुमार जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर को अलग अलग तारीखों पर शिकायत पत्र में जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मांगी की, लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर में आज तक प्रार्थी को कोई भी सूचना संतोषजनक नहीं बताई। वहीं सुशील कुमार ने बताया कि दबंग सचिव उदयवीर सिंह ने अपने धनबल बाहुबल व राजनीतिक पहुंच के आधार पर अपनी पुत्री आरती सिंह को फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बना दिया है, जो कि बेकरगंज कानपुर नगर में उस्मानी गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका के पद पर तैनात हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी सेवा में आज भी कार्यरत हैं। आखिर योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कब शिकंजा कसेगा? कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद तो नहीं संलिप्त हैं इसमें, जो प्रार्थी सुशील की पुकार नहीं सुन रहे हैं? आइए आपको सुनाते हैं कि प्रार्थी सुशील की पुकार क्या है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार नाम जी। सुशील कुमार जी, आपको बीएसए ऑफिस क्यों आना पड़ा, इसी क्या समस्या हो गई थी? बीएसए ऑफिस में सर एक सहायक अध्यापिका है जी, जो आरती सिंह है, पत्नी धर्मवीर सिंह। हाँ। इनके द्वारा लगातार मैं शिकायत करता रहा हूँ 27/1/2020 जी, शिकायत से शिकायत मिलने शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक मंडली सहायक शिक्षा निदेशक सबको मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से भी शिकायत की, मगर आज तक भी इनके साक्ष्यों की कोई भी प्रति मुझको उपलब्ध नहीं किया। क्या नाम है उनका जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाया? जी, आरती सिंह, पत्नी धर्मवीर सिंह और पुत्री ये उदयवीर सिंह। अच्छा अच्छा, इनका मतलब इन्होंने क्या धांधली की है बीएसए ऑफिस से, क्या है मतलब? हाँ, धांधली सर ये है कि इनकी जो कनवार सहकारी आवास समिति के सचिव हैं उदयवीर सिंह जी, जी जी, जिन्होंने करीब वहाँ पर जो भी 100 करोड़ रुपये का गबन किया है समिति ने, और उसी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पुत्री को जो है यहाँ पर पैसे के दम पे, धांधली के दम पर यहाँ पे सेवा योजित कराया गया है। अच्छा अच्छा, जिससे कि इसके साथ ये जो शैक्षणिक योग्यता इनके हैं वो फर्जी दस्तावेज के आधार पे इनको उस्मानिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल नाजिर बाग में नियुक्ति दी गई है, जिसमें कि बीएसए साहब से बार बार मैं सूचना एप्लीकेशन देता जा रहा हूँ, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, इसका कोई साक्ष्य वगैरह कोई है आपके जी? हमारे पास साक्ष्य है, इसके सारे दस्तावेज हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं हर तरीके से जी। ठीक है, दूसरी बात की। अच्छा, ये पूरा साक्ष्य है? ये पूरे साक्ष्य हैं। अच्छा, अभी आप बीएसए ऑफिस आए हैं तो इस कॉपी को संबंधित अधिकारी को दिया आपने किसी को? संबंधित अधिकारी इस समय बीएसए साहब मौजूद नहीं है सीट पर। जी जी जी, सीट पर मौजूद नहीं है और उनको मैंने वहाँ पे रिसीव करा दिया है डाक के द्वारा उनको। अच्छा अच्छा, अब उन्होंने मुझे ये कहा है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, हालांकि मैं 27/1/2020 से शिकायत कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन में जो लखनऊ में प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं? उनसे मांग ये करना चाहते हैं कि जल्द से इस कार्रवाई को जो है तत्काल से इसकी जांच कराई जाए और इसमें जो निष्पक्ष जो उसको लाया जाए।